गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संगठन के नए पदाधिकारियों का चुनाव शुक्रवार को नोडल व सहायक विधि अधिकारी राकेश मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस चुनाव में अरुण कुमार सिंह दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, वहीं निर्मल सिंह निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए तथा जितेंद्र स्वरूप श्रीवास्तव निर्विरोध महामंत्री चुने गए। इस अवसर पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष व महामंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दूसरी बार कर्मचारियों ने अध्यक्ष चुना है, जिसके लिए कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। चुनाव जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता होगी कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के नव निर्वाचित अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह तथा महामंत्री जितेंद्र स्वरूप श्रीवास्तव ने कहा, निर्मल जी कहाँ है? जितेंद्र स्वरूप श्रीवास्तव, आज आपको मंत्री चुना गया, क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? प्राथमिकताएं तो सबसे पहले ये है कि हमारे कुछ कर्मचारी साथी विगत 29 साल से दैनिक वेतन व चार संविदा पे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता होगी उनको नियमित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे प्राधिकरण में अभी ग्रेचुटी हटा दिया गया है, जबकि अन्य प्राधिकरणों में है। ये यहीं के स्थानीय स्तर से होना है, इसके लिए भी उपाध्यक्ष महोदय से मिल के हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कराएं। और पेंशन की भी व्यवस्था है, उसके लिए हमारे बड़े भाई के साथ जो भी संयुक्त कर्मचारी संगठन के साथ होगा वो किया जाएगा। हमारा नाम अरुण कुमार सिंह है, हम गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं और लिपिक पद पर कार्यरत हैं। अब अध्यक्ष चुना गया है, चूँकि हमारा कार्य और हमारा व्यवहार कुछ इस तरह से था कि तभी जनता हमको दोबारा चुनी है, तभी हमारे कर्मचारी हमको दोबारा चुने हैं। जनता के हित, अपने कर्मचारी के हित में काम किया हूं और सम्मान किया हूं और करता रहूंगा। जब तक हमारे कर्मचारी भाइयों का सहयोग हमारे साथ रहेगा, तब तक हम उनकी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा और हर समस्याओं के लिए हम इस बार क्या। अब आगे हमारे करने के लिए, जैसे हमारे पास हमारे कर्मचारियों की समस्या तो बहुत तमाम है ऐसे, लेकिन पहली समस्या तो हमें हमारे कर्मचारी भाइयों को चिकित्सा भत्ता नहीं आज तक दिया गया, चूंकि पहले मिल रहा था। दूसरी समस्या थी कि हमारे 17 कर्मचारी भाई जो हैं अभी दैनिक वेतन पर 2500 साल से रगड़ रहे हैं, सेवा ली जा रही है लेकिन उनको दैनिक वेतन पर ही रखा गया है, उनको नियमित करने का है। और ग्रेचुटी का भी हम लोगों का है, अभी समस्या रुका हुआ है। तो ये सब अभी तमाम समस्याएं हैं जिसको निस्तारण करने के लिए हमारे कर्मचारी भाइयों ने हमें दोबारा चुना है।